जय हिंद। आज आपको इस वीडियो में मैं नर्सिंग असिस्टेंट का इंटरव्यू लेकर के आया हूँ कि आपका नर्सिंग असिस्टेंट में कैसे आपका क्या हुआ था। वहाँ पे जो कैंडिडेट है, नाम युवराज है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि पीईटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया। इनको एग्जामिनेशन डेट मिल गया आपका 17 का। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्या क्या प्रोसीजर हुआ, उन सब के बारे में जानते हैं। इसके पहले जैसे कि आपको मैं आर्मरर का इंटरव्यू दे दिया, तो इसमें आपका नर्सिंग असिस्टेंट का, इसके बाद आने वाले में आपका ORL जो भी होगा उसके बारे में लाऊंगा। तो चलिए इनसे पहले जानते हैं कि अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से दीमापुर के लिए कैसे गए? हावड़ा स्टेशन के वहां पर गए थे, फिर हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ा दीमापुर का, कामरूप एक्सप्रेस था। फिर उधर हम स्टेशन में रुके रात को, फिर सुबह होके वहां से जाया गाड़ी पकड़ के, जहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था सेंटर के बाहर। 100-150 में होटल वहाँ पर ले रहा था, 100-150 का। वहाँ पर रात को फिर रुके, फिर वहाँ पर 2 बजे सुबह लाइन में खड़े हो गए। फिर 4-4.5 बजे को अंदर ले लिया उन लोगों ने, फिर लाइन में खड़ा कर दिया। पहले हाइट मेजरमेंट हुई, फिर वहाँ पर जाके सबको लाइन में बिठा दिया। फिर उसके बाद दौर शुरू होने वाला था, उसके बाद फिर से लाइन में बैठा दिया। हमारा पहला ग्रुप स्टार्ट हो गया। रनिंग कितने बजे से स्टार्ट हो गया पहला बैच का? हमारा 4:30-5 बजे से ही चालू हो गया। अच्छा, कितना बैच बना हुआ था रनिंग के लिए? हमारा ग्रुप में 200-200 हुआ था उस दिन टोटल 3 ग्रुप हुए थे। अच्छा, 200 200 200 और आखिर वाले में 100 या 120 होगा। और फिर वहाँ पर हमने रनिंग में, हमारा पहला ग्रुप में 148 बंदे लिए थे। फिर उसके बाद हमको हमारी बैग के पास जाने दिया। फिर बैग से डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर फिर से बैठ गए लाइन में। उसके बाद हमारी हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट हुई, चेस्ट मेजरमेंट हुई, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। नहीं, स्टार्टिंग में जब आप गेट से एंट्री किए तो आपका एडमिट कार्ड ही ऐसा ही बेसिक चेक हुआ था ना, एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट। हाँ, उधर सामने पहले ही एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन का देखकर थोड़ी सी एक स्टैंप मार दे रहे थे हाथ पे। हाइट भी पहले मेजर हुआ था कि हाइट बाद में जानने पे? हाँ, पहले वहाँ पर हाइट भी मेजरमेंट होता था। अच्छा, आपका वही दीमापुर ही सेंटर था ना, 3rd माइल दीमापुर? हाँ, दीमापुर 3rd माइल। और अकोमोडेशन का कहाँ पे आप रुके थे, रहने के लिए क्या था वहाँ पे? वहाँ पर सेंटर के सामने एक होटल था, 150 रुपया ले रहा था एक नाइट का। हाँ, वहाँ पर रुके थे। अच्छा, सेंटर के सामने यानी कि रहने के लिए जगह है? हाँ, उधर थोड़ी सी जाना पड़ता है, 7-8 मीटर की दूरी में वहाँ पर रहने के लिए जगह है। कितना दूरी है? 7-8 मीटर की। अच्छा, 7-8 मीटर की दूरी में। फिर उसके बाद आपका रनिंग खत्म हुआ, रनिंग का ट्रैक कैसा है वहाँ का दीमापुर का? रनिंग का ट्रैक बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 2 ढलाने हैं, छोटी छोटी होगी। हाँ, सिर्फ 2 ढलाने। और रोड वहाँ का सही है बिल्कुल? एकदम एकदम बढ़िया रोड, एकदम बढ़िया है 3rd माइल का। और टाइम पूरा दिए थे कि नहीं? हाँ, एकदम एकदम पूरा टाइम दे रहा है, बंदे लोग एकदम आराम से जाएंगा पूरा, एकदम 24 मिनट ही दे रहा है एकदम पूरा का पूरा। अच्छा, फिर उसके बाद जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए उनको ले जा करके बिठा दिए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ? हाँ, बिठा दिए। वहाँ पर दो 5 किलोमीटर हुआ था, 2 चक्कर दे रहा था वहाँ पर, ढाई ढाई दो चक्कर कर। टोकन भी मिल रहा था की 5 हो गया। हाँ, टोकन दे रहा था, एक चक्कर खोने के बाद एक टोकन दे रहा था, दूसरा चक्कर में 2 टोकन। टोकन भी दिखाना था, अगर किसी का टोकन गिर गया तो उसका रनिंग कैंसिल कर देता। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ था कि टोकन गिर गया हो? नहीं, हमारे बैच में तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले गए थे? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर आधार कार्ड देख रहा था,
हमारा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख रहा था, डोमेस्टाइल सर्टिफिकेट देख रहा था, हमारा जो टेंथ एजुकेशन वाले का। का सर्टिफिकेट है वो देख रहा था, हाँ, और सब और जहाँ पर जो जो एडमिट में लिखा है वही सब देख और रहा चेस्ट था, का क्या हुआ था? फोटोकॉपी। चेस्ट आप मेजर हुआ होगा ना हाँ, चेस्ट? चेस्ट, हाँ, चेस्ट उधर को 80 80, जनरल के लिए 80 अस्सी लिखा था, पचासी से 80 के ऊपर, 80 के ऊपर होना चाहिए, और 80 और 5 फुलाना है। वहाँ पर चेस्ट चेस्ट हाइट में भी थोड़ा लोग कटा था। अच्छा। और वेट का क्या था? वेट भी हो रहा था ना उसके बाद चेस्ट के हाँ हाँ बाद? हाँ वेट वेट भी हाइट के में, हाइट के अनुसार वेट होना भी जरूरी है, नहीं तो कट देगा। कैरेक्टर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए टाइम दे रहे थे कि नहीं? सर्टिफिकेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अगर आप एग्जाम हो, एग्जाम दे रहे हो ना, एग्जाम के बाद जो मेडिकल होगा उसके पहले ही वहाँ पर जमा करना पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर और जो स्टैंप स्टैंप का कुछ हुआ था क्या सीन? हाँ, उधर वहाँ पर जो गवर्नमेंट का सील होता है ना, पीला है, हरा वाला जो राइट चिन्ह, राइट होता है मार्क, वो होना चाहिए। हाँ और वहाँ पे वेस्ट बंगाल में दो तरीके शायद बनता है, ऑनलाइन भी बनता है ऑफलाइन भी बनता है, और हाँ जो हाँ जो मतलब ऑफलाइन बनवाते हैं उनका भी ऑनलाइन पे अपलोड हो जाता है, तो ऑनलाइन ही प्रिंट करके उस तरह से नहीं ले जाना, उस पे स्टैंप लगवा करके ले जाना, ऐसा कुछ है ना? हाँ 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 अच्छा, तो जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं खास करके वेस्ट बंगाल से या तो फिर और भी स्टेट से हैं, तो अपने सर्टिफिकेट पे आप स्टैंप लगवा लीजिएगा, नहीं तो स्टैंप नहीं रहेगा तो जैसे कि अभी मुझे पता चला कि सुखोवी जो हरट में जो ऑपरेटर रेडियो लाइन के लोग थे उन लोगों को वहीं से गेट से बाहर कर दिया जा रहा था, तो आप उस पर अपना स्टैंप लगवा लीजिए। अब इसके बाद आपसे ट्रेड टेस्ट के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन, कितने लोगों को बुलाया गया उसके बारे में बताइए। हमारा बैच में सभी को जो जो हाइट मेजरमेंट पास हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गई, उसको फिर टेट टेस्ट के लिए बुलाया गया। वहाँ पर पांच पांच सर थे, 1 2 3 4 साइड में, पांच थे। वहाँ हाँ पर सीओ भी कुछ क्वेश्चन को पूछ रहा था, सीओ। हाँ, हाँ और फिर उसके बाद हम गए वहाँ पर, मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, हाँ ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, हमारा रीढ़ की हड्डी का नाम क्या है, मलेरिया कैसे होती है, इसको कैसे रोके हम, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे। अच्छा, और कुछ इमेज भी दिखा रहा था, ये कौन सी इमेज है ये बताओ। वो इमेज कैसा था, किस चीज के बारे हमारा में? हाँ, इमेज कुछ भी हो सकता है वहां पर। नहीं, जैसे कि किस चीज के बारे में था, एक्सरे का इमेज था या किसी हाँ, ड्रोन का? एक्सरे नहीं, एक्सरे नहीं, हमारा हमारा इंटरनल बॉडी का जो कुछ पार्ट होता है उसका अच्छा, उसका इमेज दिखा रहा था, इंटरनल बॉडी का। हमारा और क्वेश्चन था हमारा, जीप किस किस साइड क्या साथ लेती है। हाँ टेस्ट के बारे में था। हाँ 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 टेस्ट और कितना क्वेश्चन पूछने पे पास कर रहे थे, कितना क्वेश्चन हाँ कम पूछ से रहे कम थे? सभी को 8 9 पूछ रहे थे, मुझको थोड़ा ज्यादा ही पूछा सर ने। अच्छा, तो रनिंग में कितने लोग क्वालिफाई होकर आए थे ट्रेड टेस्ट के लिए? हाँ, रनिंग में बहुत सारे हो गए, हमारे ही बैच में 150 लोग हो गए थे। हाँ अच्छा, यानी कि 200 में से 150 लोग। हाँ हाँ अच्छा, तो ट्रेड टेस्ट के लिए कब तक चला था? ट्रेड टेस्ट बहुत देर चला था, कम से कम हमारा ही हमने खुद 11 बजे ट्रेड टेस्ट किया था, हमारा ही 4 बज गया था कॉल निकलने के लिए। हाँ मतलब शाम का 4 बजे? हाँ हाँ अच्छा, ग्यारह तो बजे ट्रेड टेस्ट किया था, 4 बज गया था। पीछे कितने कैंडिडेट बचे रहे होंगे, कितने और लाइन में थे? हाँ, मेरे मेरे पीछे और 300 300 लोग। 300 लोग आपके पीछे लगे हुए थे, तो 300 लोग यानी हाँ कि हाँ रात हो गया होगा, 8 9 10 तो बज ही गया हाँ होगा हाँ तुम रात लोगों के लिए। रात 11 बजे हो गया होगा। तो फिर ट्रेड टेस्ट के बाद वो मिल गया आपको कॉल लेटर, कॉल लेटर लेने के बाद हाँ रिटर्न के लिए, उस पे डेट क्या है? 17 सितंबर 2022 को है, वहीं पे रिपोर्ट करना है, दिमापुर में ही। हाँ वही पे, 3rd mile पे ही। अच्छा,
तो और आपने यह जो ट्रेड टेस्ट का क्वेश्चंस था ये कहाँ से प्रिपेयर किए थे? मैं हमने पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी चैनल में देखा था क्वेश्चन, वहीं पर से नोट किया था कुछ। फिर उसके बाद मेरा जो टीचर है उसको फोन किया, बोला कि 2-3 चैप्टर का पेज भेज दीजिए मुझे इमेज में, वहां से देखा था थोड़ी। पहले सबसे पहले मैं तुम्हारे चैनल से ही देखा था क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले तो मुझसे तो बताया भी नहीं देना कि मैं आपकी चैनल से, क्योंकि मैं भी अभी पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैंने पहले आपके चैनल से ही देखा था क्वेश्चन। अच्छा, और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, मैं नर्सिंग असिस्टेंट का होम नर्सिंग करके चैप्टर है जो कि डिफेंस में है, खास करके उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एनसीसी हो गया, चाहे कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया, स्काउट वाले हो गए, जो भी कैंप लगता है उन्हीं से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपका एब्रीविएशन पूरा है, छोटा सा पीडीएफ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप वहां से जाके एक बार देख लीजिए। और जिस जिस चैनल से जहां जहां से मिल रहा है आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, जो भी इंटरव्यू जो भी कैंडिडेट का रिव्यू आ रहा है, आप उस उन क्वेश्चंस को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद जा करके आप उसके रिगार्डिंग में पढ़िए, या नहीं कि यूट्यूब पे जितना मतलब बता दिया पॉइंट्स तो उसी पॉइंट्स पे रुके रहिए, आप खुद जाके सर्च करिए। अब कोई आपको हर एक पॉइंट को आके बताएगा नहीं, यूट्यूब पे सिर्फ पॉइंट जो भी कैंडिडेट बता दिया, कि जैसे कि इन्होंने बताया कि टेस्ट टंग का किस साइड में कौन सा टेस्ट आता है, तो अब टंग से हो गया तो टीथ के बारे में भी पढ़ लीजिए, और टंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चले जाइए। अब फिगर का इमेज का बता दिए, इमेज दिखा रहे हैं, अब लंग का दिखा सकते हैं, हार्ट का दिखा सकते हैं, ईयर का दिखा सकते हैं, आई का अंदर का पार्ट दिखा सकते हैं, प्यूपिल दिखा सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपका यह है कि आप इसको थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रैंडमली कहीं से भी इसी से रिलेटेड कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। तो अब आप इसके आगे बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं तो एक एक सड़क से एक हमारा एक भैया है जो हमको पढ़ाता है, वहां पर पढ़ने जाते हैं, वो सजेशन दे रहा है अभी रिटर्न एग्जाम के लिए। घर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है घर में तो भी पढ़ना पड़ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, 17 तारीख को उधर जाके ही पता चलेगा हमारा एग्जाम का क्या होगा। अच्छा, तो फिर आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। हमारा हमारा तो लूसेंट लूसेंट है, हमारा तरुण गोयल है। तो कितने तारीख से कितने और तारीख के बीच में जिसका जिसका ट्रिक टेस्ट है उसको एग्जामिनेशन डेट 17 मिला है? हाँ, 17 मिला है, कुछ कुछ को 19 भी मिला है लगता है। और लास्ट में अब कुछ आप बताना चाहते हैं जो कैंडिडेट अभी जा रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, खास करके जैसे कि अभी लास्ट में रैली आपका चलेगा साउथ वालों का, फिर इधर नॉर्थ वालों से फिर साउथ वालों पे जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गोवा, इधर के बच्चे हों, तो उन लोगों के लिए कुछ बता दीजिए। उधर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें तो होती है, खाना खाना वाना साथ ही ले जाना, नहीं तो वहां पर खाने की बहुत रेट होती है, वहां पर खाने का बहुत ज्यादा देर महंगा मिल है, रहा है। हाँ, होटल भी ज्यादा कुछ नहीं है, होटल भी वहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो होता है वो भी शाम को 7 बजे से बंद हो जाता है। जो भी खाना बना है वो सब पैक करके ले जाना। अच्छा, कितने रुपए का खाना होना, क्या कैसे मिल रहा है उसको भी बता दीजिए वहीं पे। हमारा वहां पर तो अंडा अंडा चावल लिए थे, वहां पर 80 रुपए लिए थे अंडा और चावल सिर्फ। अंडा और चावल 80 रुपए में, पेट भरा कि आधा आधा ही था, कितना आधा ही भरा? आधा आधा ही पूरा नहीं। अच्छा अच्छा तो आज के इस इंटरव्यू में जो भी यह 15 मिनट का है इतना ही रखता हूँ, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने बिजी शेड्यूल में। हालांकि यह इंटरव्यू काफी दिन से शेड्यूल हो रहा था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के वजह से
नहीं हो पा रहा था, तो आज फाइनली ये आपका हो गया है। आज कितना है, 13 सितंबर, तो आज मैं 13 सितंबर को आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो जब डिले हो रहा है तो काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं कि नहीं वीडियो नहीं आ रही, इसके बारे में बताइए इसके बारे में। तो आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, वीडियो के भरोसे ही मत पड़े रहिए। तो फिलहाल अब मैं जल्दी से इसको अपलोड कर दूंगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।